जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार निरंतर गरीबों के हित में कार्य कर रही है और उनके कल्याणार्थ अनेक जन कल्याणकारी योजना संचालित की गई है। शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर उनका उत्थान करना सरकार की मंशा है। विकास कार्य समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता युक्त पूर्ण किए जाएं और जो भी कार्य कराए जाएं तथा उसकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। सांसद कमलेश पासवान ने शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य पूर्ण कराए जाएं और कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने कौशल विकास में गुणवत्ता युक्त विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं को जन जागरूकता के दृष्टिगत व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को हो सके और वे उसका लाभ उठाएं। सांसद कमलेश पासवान ने महानगर को जल भराव से निजात दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश नगर निगम को देते हुए कहा कि पूरे गोरखपुर का सर्वे कराकर एक मास्टर प्लान तैयार कर अस्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि जल जमाव से गंदगी के साथ साथ संक्रामक बीमारियां भी फैलती हैं। बैठक में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, जिला विकास अधिकारी अनिल सिंह, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, संत प्रसाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अगस्त तक का बताइए, अगस्त तक का
बताइए। देखिए कहाँ 82,000 ये हमारी सरकार की उपलब्धि सर सर, और इस उपलब्धि को अगर हम निकाल करके बता नहीं पाएंगे तो ये हमारी क्षमता है। अभी तक सिर्फ 38% ही और जो डाले थे उनको पकड़ा गया, तो ये स्थिति बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। डी सी साहब आप अभी पूरा रोड मैप भाई ने बताइए कि कैसे जो जनप्रतिनिधि बना रहे हैं हमारे डायरेक्टर और सांसद, आप उसको नोट करिए और ये सारा डे टू डे करेंगे और समूह में जनप्रतिनिधियों को मेरा ये सक्सेस हो ही सकता। नहीं कुछ जगह तो सर आपके ड्रेस बांट रहे हैं समूह को का जो कई पिछले समस्या हो गई है सर, अभी तो सरकार ने अपनी प्रयास किए हैं सर, ये सर बताने लगा हूँ अभी यहाँ जो करीब 3,00,000 बच्चे हमारा बेसिक शिक्षा का बच्चे हैं उनका 200 सेंटर यूनिफॉर्म देते हैं तकरीबन 6,00,000 यूनिफॉर्म थोड़ा इनके समूह में महिला ही खिला के रहेगी एक अभी प्रयास। दूसरा 3 दिन पहले एक अग्रीमेंट हुआ है सरकार का और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके अच्छा परिणाम हुआ है। ये जो पंजीरी अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माध्यम से बताया जा रहा था वो पहले कहीं केंद्रित होकर के आगे से शुरू होता था, ये भी एक लाख को एक समूह से देंगे तकरीबन 40,00,000 से 80,00,000 का मशीन है ये जिला सबसे जिला में कम सबसे कम लोगों का उपलब्ध हुआ उनके समूह ही चलाएंगे उसको प्रैक्टिकल आएंगे और महिला वो बच्चे सभी का पंजीरी को करना चाहिए जिससे हासिल कर सकते हैं कई प्रशिक्षण का शुरुआत होने वाली है। उसको हम लोग 340 समूह का समूह इसमें शामिल होंगे सरकार ने 19,00,000 रुपये सहयोग किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा पूरी प्रयास है। उसके अलावा और यहाँ का पंचवा समूह और बाकी बड़े कुमार लोग जो उसमें बना रहे हैं सभी लोग का जैसे मोदी मोदी के साथ तमाम योजना के साथ सरकार जोड़ते जा रहे हैं सर, ये आप तब तक जनरल जी लोग अवगत नहीं कराएंगे तो इसका अवगत नहीं होगा। अभी जो कि सर मिनिस्टर 1 करोड़ बताइए तो गाड़ी लोग में आवाज होगा जनरल दोहरे नंबर 2 का क्या है पोजिशन जनरल करिए सर जनरल दोहरे नंबर 1 में जो आगे इस क्योंकि आप इस कारण से अपात आपने देते तो हमारे पास क्यों आते लगता है मेरे पास भारत में किसी को पक्का कमान नहीं है और इनका पहले क्या होता था इनका योजना के अंदर केवल टेलीफोन के जरिए ही जांच होती थी और टेलीफोन से केवल फोन करके पूछा जाता था आप कहाँ के रहने वाले आपको आपने निकले हम नहीं हो सकते उसके आधार पर हम लोग पिछले 2 साल के पहले से हम लोग फाइनल कर रहे थे। तब फिर वो शिकायत हुई है तो पता चला बहुत लोग झूठ बोल करके आवाज़ आ चुके थे। उसके बाद हम लोग को जिम्मेदारी मिला कि एजेंसी है उसको भरोसा बना कर तहसील और अन्य जो नगरीय नगर निकाय का लोग भी उस पर रिस्पॉन्सिबल होगी अगर किसी का आपात होगा फिर किसी ने किसी का होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे बना है इसी के तरीके से हम लोग क्या करते हैं डीवीआर बनता है जो मान लीजिए एक मजरा में एक कॉलेज में मान लीजिए किसी का 1,000 मकान देते हैं आगे तक तो सी ओ साहब 15 के अंदर कर लेंगे तो ताकि विधायक की जो बात होता है सही है। इस समय में हम लोग लगभग 3 महीने और जलभराव में रखना देंगे हम तो ये करता है कितने कौन कर पाएंगे जाएगा।